Welcome to Time News Studios. You are watching 4BN Bulletin. मोहम्मद बचल, मोहम्मद सरवर, राजा शाहजेब, मोहम्मद जबा। पुलिस पोती होते जख्मी या जाई ना पोती पुलिस ना पोती ना पोती जख्मी होया जब आड़ा आग में महाजी वो आया गड़ी में वो बुगा तुम खोद दियो। अच्छा सर जल्दी पुलिस पहुंचे आज ये बच्ची हो जाना। हां बच्ची है। सिंध में कबीलाई छेड़न की खूनी रांद जारी। जैकबाद के इलाके गढ़ी खैरो में पुराने तकरार ता एक ही कुटुंब के छह भातिन सूदो, अठ जणा कतल। गोठ कालू कटवर में हथियारबंदन घर से हमलों करे अंधाधुंध फायरिंग करे दिनी। टिन मासूम बारन एक औरत सूदो, छह भाती कतल। मारजी वेलन में 50 सालन जो मोहम्मद बचल कटवर, गुलाम सरवर सनस घरवारी मोरजादी, एक साल जो अब्दुल जब्बार, टिन वरन जो राजा खान ए पंजन सालन जो शाहजेब कटवर शामिल। कटवर बिरादरी के हथियारबंदन पलान में शदाद कोट वेझो गोठ नूर मोहम्मद जलबाणी ते हमलों कयो। फायरिंग में बजणा मारजी वया। मारजी वेलन में मुमताज जलबाणी ए मोहम्मद बख्श जलबाणी शामिल। पुलिस गढ़ी खैरो ए शहदाद कोट की अस्पताल में पोस्टमार्टम बाद लाश वारसन हवाले कया। वाक़े बाद इलाके में खौफ ए छिकताण वाली सूरत हाल, पुलिस जवाबदारन के गिरफ्तार न करे सकी। एन ए 75 डस्का ते बीहर नंढी चूंड लाए पोलिंग जो वक्त खत्म थियण में बाकी एक कलाक। नवाज लीग उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार तरफा कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के रवैये ते खदशन जो इजहार। रिटर्निंग ऑफिसर समूरन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के मुनसिफानो ए जिम्मेवारानो रवैयो इख्तियार करण की हिदायत कई। एन ए 75 डस्का के आर ओ जो चवण है इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग टीम चूंड अमल की निगरानी कर रही है। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज पोलिंग स्टेशन ते उस्मान डार के दौरे दौरान पीटीआई ए लीगी कारकुन आमो सामू, कारकुन की एक बे खिलाफ नारेबाजी। उस्मान डार जो चवण है राणा सनाउला ए सनस हामिन के डस्का में दाखिला ते पाबंदी है। अज न गोली हलंदी ए नई रत बहंदो। पोलिंग दौरान डस्का में 4,000 का वधिक पुलिस ए 1,000 का वधिक रेंजर्स अहलकार सिक्योरिटी ते मुकर। एन ए 75 के रिटर्निंग ऑफिसर काफ लीग अगवाण चौधरी सलीम ए पंजाब के वरे वजीर की खसूसी मुआविन फिरदौस आशिक अवाण के नोटिस जारी कर छिया। आर ओ के नोटिस में चुबा है काफ लीग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सलीम बरियार 9 अप्रैल ते तक जो दौरो कयो। काफ लीग अगवाण तरफा 50 करोड़ के तरक्याती पैकेज जो ऐलान चूंड जब्तन की भंज कढ़ी है। फिरदौस आशिक अवाण भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान तरक्याती पैकेज जो ऐलान कर इखलाकी जब्ते की भंज कढ़ी कई। सलीम बरियार ए फिरदौस आशिक अवाण के बिन्हीं हंधन अंदर जवाब जमा कराने की हिदायत। सिंध अंदर खंड स्कैंडल की जांच में अहम अग भराई। FIA सिंध की 27 शुगर मिल्स के फाइनेंशियल ऑफिसर्स के नोटिस जारी कर छिया। केन कमिश्नर सिंध के भी नोटिस जारी करे तफसील तलब। कराची की अदालत में FIA तरफा जमा करायल अग भराई रिपोर्ट में चुबा है शुगर मिल्स 62 शख्सियत की मिल्कियत हैं। मनी लॉन्ड्रिंग ए बेनामी अकाउंट्स के इस्तेमाल बाबत बैंक्स का भी तफसील तलब किया गया। डीलर्स तरफा शुगर मिल्स का खंड खरीद कर बाबत तफसील भी तलब। केन कमिश्नर सिंध के 2019 का 21 तई नोटिफाइड शुगर प्राइस लिस्ट भी पेश कर हिदायत कई। कराची की अदालत शुगर स्कैंडल में गिरफ्तार 7 जवाबदारन के अदालती रिमांड से जेल मोकलण जो हुक्म दई छो। FIA के उबूरी चालान पेश कर हिदायत। PTI अगवाण जहांगीर तरीन तरफा पेंचे खिलाफ केसेस की शफाफ जांच कराने जो मुतालबो। लाहौर की अदालत बाहरा मीडिया से गलाइंदे जहांगीर तरीन चयो त PTI सबनी की जमायत है, उनके छड़े बो कैं वेंदुस।
टेलीफोन ते ऑर्डर वठी जांच शुरू करण वारो कम न कयो वने। लाहौर जी सेशन कोर्ट जहांगीर तरीन ए सनस पुट अली तरीन जी उबूरी जमानत में 22 अप्रैल तीन वाद कर छी। बैंकिंग कोर्ट तरफा भी पी पुट जी जमानत में 17 अप्रैल तीन वाद। पीटीआई जे हम ख्याल पार्लियामेंटेरियंस तरफा वजीर आजम सा मुलाकात लाए दरख्वास्त देण जो फैसलो। अज वजीर आजम इमरान खान के दरख्वास्त दिनी वेंदी। दरख्वास्त 30 पार्लियामेंटेरियंस सहयूं करे वरतियों। पीटीआई एमएनए राजा व्यास तरफा जहांगीर तरीन के 22 एमपीएस 8 एमएनए की हिमायत हासिल होजन की दावा। राजा व्यास चवण है असो कायद इमरान खान है पर जहांगीर तरीन से गड आयूँ। साजिश कदड़ जहांगीर तरीन खिलाफ़ साजिशों कर रहा है। नजीर चौहान जो चवण है शहजाद अकबर हलो वो असा इत ही रहो है। सिंध हाई कोर्ट सखर जो कैटल कॉलोनी की सरकारी जमीन में घोबिन वाले केस से अहम फैसलो। अदालत सरकारी जमीन गैर वास्तेदार मानू की दियण से डीसी सखर खिलाफ कार्रवाई जो हुक्म दई छो। डीसी सखर राणा अदील के हटाने जो भी हुक्म। अदालत तरफा लिखित में जारी कल फैसले में चो है डीसी राणा अदील के अगते का भी फील्ड पोस्ट न डनी वे। खेस हटाने लाए चीफ सेक्रेटरी सिंध के खत लिखो वे। सिंध हाई कोर्ट सखर के जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरड़ तरफा लिखित में फैसलो जारी। कराची में ब्लैकमेलिंग हरासमेंट का तंग थी आपघात कदड़ नारी के वाक़े में 3 जवाबदार गिरफ्तार। अदालत मुख्य जवाबदार वकास सूदो टिन्हीं जवाबदार के बिन्हीं के जिस्मानी रिमांड से पुलिस हवाले कर छोड़ो। शादमान टाउन में नारी आपघात हो। पुलिस को चवण है औरत आपघात करण का अग पैं दोस्त के रोईंदे मैसेजिस कया और जवाबदार जहा नाला बुधाया। औरत ऑडियो पैगाम में हो तो खेस हिरासा ब्लैकमेल किया वे। पाड़े जा छोकरा भी परेशान है हिरासा कन था। वकास 4 महीनों का तंग है ब्लैकमेल कर रो है। वकास सनस वीडियो ठाए सोशल मीडिया से वायरल कई। औरत के आपघात वाले केस में टिन रूपोश जवाबदार की गोला भी जारी। गरीब आदमी एक 500 रुपए मजदूर कमाने वाला जिसका अगर किराए का घर है तो वो किस तरह गुजारा करेगा? या तो खुदकुशी करेगा या चोरी डकैती करेगा। रमजान शरीफ की आमद का अगुई आम वाहिपे की शयन के अगन के पर लगी वया। आम वाहिपे जो 18 शयूं गरीबन की खरीदारी सघ का चढ़ी व्यू। कुकड़ के गोश्त के अघ में 27 रुपया फी किलो इजाफो। बाकरो ए गाव गोश्त भी महंगा। पटाटन के अघ में 4 रुपया फी किलो इजाफो। केलन के अघ में 5 रुपया फी दर्जन बाद। दही खीर ए खादरो तेल भी महंगा थी वया। सिंध में अज का बिन्हीं लाए बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट से पाबंदी। बेन सूबन का सिंध इंदड़ मुसाफिर के सूबे में सुभाने रात तई दाखिल थियण की इजाजत न होंगी। सिंध सरकार छंछर ए आचर से बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट से पाबंदी लगाए छड़ी। पंजाब में आचर की रात 12 वगे तई बैन बेन सूबन का इंदड़ मुसाफिर गाड़ियों की दाखिला से पाबंदी होंगी। माल बरदार गाड़ियों के पंजाब में दाखिल थियण की इजाजत। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट से हफ्ते में 2 ढीं पाबंदी 26 अप्रैल तई लागू। शिकारपुर के लकी गुलाम शाह के कचेवारे इलाके में रुस्तम में कबीलाई छेड़े दौरान मारजी वेल 5 जणन जा बधारधार केस दाखिल। चक थाने ते झेड़ींदर धुरन एक बे खिलाफ केस दाखिल कराए छड़िया। सईद खानाणी की धुर 19 कमालाणी धुर 26 जवाबदार खिलाफ कत्ल केस दाखिल कराया। गोट गाजी कमालाणी में 3 ढीं अगु कार तकरार छेड़े दौरान 5 जणा मारजी व्या हुआ। पुलिस 3 ढीं गुजरण बावजूद जवाबदार गिरफ्तार करण में नाकाम। इलाके में खौफ पकड़े। जादू तोड़न सा महबूब के कदमन में आण जो दावाओं कदड़ भोपा पान जेल भीड़ा। कराची में रेंजर्स बिन भोपन वैस अरसलान के गिरफ्तार करे एफआईए हवाले कर छोड़ो। अदालत बिन्हीं भोपन के जेल उमाण जो हुक्म डींदे एफआईए का अग भराई रिपोर्ट तलब कर वरती। जुडिशल मजिस्ट्रेट ओभर जी जज
रिमार्क्स डींदे चयो त मासूम माण्हू भोपन जी कूड़नि दावाउनि ऐं ॻाल्हियुनि में फासी पवंदा आहिनि। ॿुधायो वञे त गिरफ़्तार भोपन केतिरनि माण्हुनि खे मुतासिर कयो आहे। FIA ऑफिसर अदालत खे आगाही ॾिनी त जवाबदारनि मासूम माण्हुनि खे बेवकूफ़ बणाए पैसा कमाया। ॿई भोपा माण्हुनि खे महबूब क़दमनि में आणण जो ॾटो ॾींदा हुआ। गिरफ़्तार जवाबदारनि खां पुछा ॻाछा कई पई वञे। दादू जी मॉडल कोर्ट में उमिर उबाब चांडियो जे वालिद सूदो। टिन घर भातियुनि जे क़त्ल केस ते ॿुधणी दौरान ग़ैर ज़रूरी माण्हुनि जी दाख़िला ते अदालत पाबंदी लॻाए छॾी। SSP दादू खे अमल यकीनी बणाइण जी हिदायत। अदालत में ॿुधणी दौरान उमिर उबाब पेश न थी सघी। जवाबदार धुर मां PP अॻवाण सरदार चांडियो वकीलनि सूदो पेश। उमिर उबाब जे वकील अदालत खे आगाही ॾिनी त जवाबदार सवे माण्हुनि सां गॾु अदालत में पेश थियनि था। उमिर उबाब खे धमकियूं मिली रहियूं आहिनि, तंहिं करे अदालत में पेश न थी सघी। अदालत केस जी ॿुधणी 24 अप्रैल ताईं मुलतवी करे छॾी। ऐं बरतानिया जी राणी मलका एलिज़ाबेथ जे मुड़ुस प्रिंस फिलिप जूं आख़िरी रस्मूं ईंदड़ हफ़्ते अदा कयूं वेंदियूं। बरतानवी सरकार तरफ़ां शहज़ादे फिलिप जे लाॾाणे ते 8 ॾींहं सोग जो ऐलान। लंडन जे बकिंगम पैलेस ॿाहिरां माण्हुनि जे पहुचण जो सिलसिलो जारी। शहरनि तरफ़ां शहज़ादे फिलिप सां मुहबत जो इज़हार। अस्सलाम वालेकुम, टाइम न्यूज़ सां गॾु मां हमीर शेख। हेडलाइंस सां वञे थियूं, तफ़सीली ख़बरूं शामिल कयूं था हिन ब्रेक।